कल को जो है दरोगा जी भी ठेके पे बहाल होंगे। ये इस देश में सिस्टम बन रहा है। अब आप बताइए कि सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए। एक तो ये स्कूल है आपके बगल में, इसमें कोई पैसा वाला का बाल बच्चा पढ़ता है, कोई करोड़पति का बाल बच्चा, तो सबका बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाएगा, पटना जाएगा, दिल्ली जाएगा। और जो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं उनका बाल बच्चा पढ़ने के लिए लंदन जाता है, न्यूयॉर्क जाता है, अमेरिका जाता है। वैसे ही इस स्कूल को कोई नहीं पूछ रहा है। गांव में जो गरीब गुरबा बच गए हैं उन्हीं का बच्चा इसमें पढ़ने के लिए आता है। तो हमारे मन में, हमारे बीच में यह बार बार डाली गई कि सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पढ़ाई नहीं होता है, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए क्योंकि इलाज नहीं होता है, सरकारी पुलिस नहीं होना चाहिए इसके हिसाब से क्योंकि ठीक से काम नहीं करते हैं, सरकारी BSNL नहीं होना चाहिए, सरकारी रेलवे नहीं होना चाहिए। तो सरकारी संसद लेकर के क्या करेंगे? काम नहीं होता है। सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के क्या करेंगे? झुंझुना बताएंगे, वो भी तो कुछ नहीं करता है। सरकारी मंत्री लेकर क्या करेंगे? वो भी तो कुछ नहीं करता है। ये हमको समझना पड़ेगा कि देश में किस तरीके की नीति पैदा की गई। नीति ऐसी है कि कमाने वाला कमाया जा रहा है, खर्चा कम होने का नाम ही नहीं लेता। जिस गति से आपका वेतन बढ़ेगा उसी गति से आपका खर्चा बढ़ जाएगा। कहते हैं ना आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, हाथ पे जोड़ते जोड़ते आदमी परेशान है। अगर उसमें बीमारी हो जाए, शादी करनी पड़े या घर में किसी की मौत हो जाए तो कर्ज लेना पड़ता है। क्या होता है कि नहीं होता है? कोई बड़ी बीमारी अगर घर में हो जाए तो कर्ज लेना पड़ता है। दो जून की रोटी पैदा करने में, दो जून की रोटी का जुगाड़ करने में लोगों का पसीना निकला हुआ है। और इस परेशानी के बीच सरकार ये कह रही है कि ये बताइए कि आपके दादाजी के दादाजी का क्या नाम है, क्या मतलब है इसका, ये तो बताइए। और ये सवाल आप किसी से भी पूछिए, क्या जितनी वीडियो बना रहे बताओ बाबा बाबा क्या नाम है, याद नहीं है बोलो नहीं यार ऐसे भी नहीं। किसी से भी पूछिएगा ये सवाल कि आपके बाबा 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 का नाम क्या है, याद होगा किसी को? इस सवाल का मतलब क्या है, क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है? ये बात हम लोगों को समझ नहीं। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि जब देश के नौजवानों ने सरकार से ये सवाल पूछना शुरू किया कि यह सरकार बताइए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, यह सरकार आप बताइए कि हर साल 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं पैदा हुई, ऐ सरकार आप बताइए कि किसानों को उनके फसल का दाम क्यों नहीं मिल रहा है, ऐ सरकार आप बताइए कि एक ही स्कूल में 2 तरह के मास्टर साहब क्यों हैं, एक को 65,000 रुपया मिलता है दूसरे को 15,000 क्यों मिलता है। जब ये पूछने लगे विद्यार्थियों ने कि बताइए हम मेहनत से परीक्षा का तैयारी करते हैं और जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता चलता है SSC का प्रश्न पत्र लीक हो गया है, दरोगा भर्ती में घोटाला हो गया है, सिपाही भर्ती में घोटाला हो गया है, इंजीनियरिंग का प्रश्न पत्र लीक हो गया है, रेलवे का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। ये सवाल जब देश के नौजवानों ने सरकार से पूछना शुरू किया तो सरकार ने कहा कि ठहरो, पहले तुम बताओ कि तुम नागरिक हो कि नहीं। ये मतलब आप जिसे देखिएगा बड़ा खुला होगा, पंखा खरीदते हैं, पंखा के डिब्बा पर कार्टून के बड़का बड़का को लिखा रहता है 5 साल की गारंटी लिखा रहता है ना, अब भीतर में गारंटी कार्ड रखा हुआ रहता है। हर बार में पंखा खरीदने के खुशी में आदमी जाता है और पंखा खरीद के ले आता है, घर लाया पंखा, पंखा हो गया 5 महीना में खराब, और लेके जाइएगा जो दुकानदार के पास तो कहेगा गारंटी कार्ड कहाँ है, अब आप बता रहे हैं कि गारंटी कार्ड कहाँ है, तो फिर घर फोन कीजिएगा माए ये गारंटी कार्ड रख लो, बढ़िया रख ली अगर गारंटी कार्ड बात ठीक से है, बल्कि मांग रहे हैं दुकानदार वाला, हाँ रखे हैं रखे हैं, अब लेके आइए, तो कहेगा इसमें कब खरीदे इसका डेट ही नहीं भरा, कार्टून पे बड़का बड़का को
लिखा हुआ है कि 5 साल का गारंटी है। ये उदाहरण मैं आपको क्यों दे रहा हूं, ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि जब भी आप सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार उल्टे आपसे सवाल पूछना शुरू कर देगा। किसी दिन मन होगा तो ट्राई कर लीजिएगा, आपका जब रोड बनने लगेगा ना, अभी छुटा है बनेगा कुछ दिन में, उम्मीद कीजिए अच्छा दिन आएगा तो बनेगा। तो जिस दिन भी बनेगा, तो जब रोड बनेगा तो 5 नौजवान जाके खड़ा हो जाएगा। अब ठेकेदार का मुंशी होगा, ठेकेदार अपने कहाँ आएगा वहां पे धूल फंकने के, मुंशी जी को पूछेगा कि मुंशी जी जरा एस्टिमेट दिखाइए, तो कहेगा कौन चीज का एस्टिमेट, रोड बना रहे हैं उसका एस्टिमेट दिखाइए ना, एस्टिमेट होगा ना भाई, सरकारी रोड बन रहा है इसका टेंडर पास हुआ होगा उसका एस्टिमेट बना होगा। तो जानते हैं वो बुनियादी सवाल हम सबका, मान लीजिए अगर हवा खराब हो जाए तो धर्म देख करके फेफड़ा खराब हो जाएगा क्या, कि जो भी सांस लेगा उसका फेफड़ा खराब होगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि क्यों इसको मुद्दा बनाया जाता है और हर बार राजनीति इसके नाम पे क्यों की जाती है। जब भी चुनाव आता है, जब भी चुनाव आता है धर्म खतरे में आ जाता है। अभी धर्म दिल्ली में खतरे में था, अब बिहार में आ जाएगा, उसके बाद बंगाल में आ जाएगा। ये क्यों ऐसा होता है, ये ऐसा इसलिए होता है कि इस देश के लोगों के, इस देश की आवाम के जो बुनियादी सवाल है उससे उनका ध्यान गुमराह कर दिया जाए, उनका ध्यान भटका दिया जाए। ये जादूगरी, ये कलाकारी, ये बेईमानी हम लोगों को समझनी पड़ेगी। हमको ये समझना पड़ेगा कि जब खेत में मर रहे हैं किसान, सीमा पे शहादत दे रहे हैं जवान, उस वक्त क्यों टीवी में दिन रात हो रहा है हिंदुओं को सम्मान। हमको ये समझना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में 3,16,00,000 लोगों की नौकरी चली गई। नौकरी मिलना और भगवान मिलना एक जैसा है, दिन रात लड़का मेहनत करता है कि किसी तरह से नौकरी हो जाए, तुरंत ब्याह हो जाए। जिसको नौकरी नहीं है उसका पटवार आना भी बंद हो गया, डिग्री पर डिग्री किए जा रहा है, बटवार आना बंद कर दिया है। लेकिन जो ही लड़का का सरकारी नौकरी हो जाए, एक बटवार उठता है और दूसरा बटवार बैठता है, क्या जैसा होता है कि नहीं होता। नौकरी मिलना कितना कठिन हो गया है आप उसका अंदाजा लगाइए, कि जो कोर्स करना हो हम हर कोर्स करने के लिए तैयार हैं। BA, MA, ITI, Polytechnic, BTEC, MBA, BA, हर कुछ करने को तैयार है। जिसको देखिए कोई ना कोई ट्रेनिंग ले रहा है, कोई नर्सिंग का ट्रेनिंग ले रहा है, कोई कंपाउंडरी का ट्रेनिंग ले रहा है, कोई BA कर रहा है, इस उम्मीद में कि नौकरी मिल जाए। और हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में पैदा हो गई। और जो उम्मीद में है, सुबह सुबह देखिएगा लड़का सब भोरे उठ करके दौड़ता है, डिप्स मारता है, लटकता है कि किसी तरह से हाइट सीना पूरा हो जाए तो नौकरी मिल जाए। जब भर्ती में जाएगा शामिल होने के लिए तो स्टेशन पे और ट्रेन पे इतनी भीड़ होती है कि भगदड़ मच जाने से और पांव फिसल जाने से लोगों की मौत हो जाती है, नौकरी मिलने से पहले ही जिंदगी चली जाती है। जिंदगी की उम्मीदें और जिंदगी का जद्दोजहद, जिंदगी की मुश्किलें, उसके बारे में आप सोच करके देखिए कि क्या समस्या है उन लोगों की जो नौकरी कर रहे हैं। वो कोशिश करते हैं कि बाल बच्चों को पढ़ा दें, उनको नौकरी मिल जाए, बाल बच्चा का ब्याह कर दें, घर बना दें, माँ बाप का सेवा करें, दो चार जगह तीर्थ करें, यही उनकी उम्मीद रहती है ना। जो बिजनेस करते हैं दिन रात पैसा जोड़ते रहते हैं कि 5 पैसा का मार्जिन कैसे हो जाएगा। लोग अपने रोजी रोटी में लगे हुए हैं, अलग अलग समस्याओं में वो घिरे हुए हैं। अब सरकार उन समस्याओं को ठीक करने की बजाय रोज एक नया समस्या लोगों के ऊपर लादते रहती है। हकीकत यह है कि जो सिस्टम की गड़बड़ी है
उसके ऊपर कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है। वो जो लड़का सुबह सुबह दौड़ता है, वो जब जाएगा बहाली में, सब कुछ ठीक है, हाइट ठीक है, सीना ठीक है, दौड़ भी एकदम कंप्लीट मार दिया है, जब मेडिकल होगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे तुम्हारा केहूनी का हड्डी निकला हुआ। अच्छा, अलग अलग बहाली में अलग अलग तरह का हड्डी निकला हुआ होगा। एक बहाली में केहूनी का हड्डी निकला रहेगा, दूसरे में औंठा का हड्डी निकला रहेगा, तीसरे में नाक का हड्डी टेढ़ा रहेगा। जब तक वो सीधा आदमी ये नहीं समझता है कि 3 लाख रुपया दीजिए सब हड्डी सोझ हो जाएगा, तब तक उसका हड्डी सोझ नहीं होगा। ये हकीकत। उसके बाद जब वो नौकरी करने के लिए जाएगा, जिंदगी भर नौकरी करेगा, देख रहे हैं महिला सब सिपाही है, नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी बजा रहे हैं, जिंदगी भर नौकरी करेंगे, जब रिटायर होंगे तो इनको पेंशन नहीं मिलेगा। सरकार की नौकरी कर रहे हैं, सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, एमपी, एमएलए, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको पेंशन मिलेगा। लेकिन सरकारी नौकरी करने वाले जो मास्टर साहब हैं, जो सिपाही हैं, जो क्लर्क हैं, जो बाबू हैं, उनको पेंशन नहीं मिलेगा। और हकीकत यह है कि एक एक करके हर चीज को ठेके पे डाला जा रहा है। मेरा भाई सीआईएसएफ का नौकरी करता है, एक बार घर आया था चूड़ा दही खाने के लिए, बताया जानते हो भाई सीआईएसएफ